कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ के बारे में। As I said कि मैं एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं सभी वेस्टरोस के हाउसेस और उनके लॉर्ड्स के बारे में। ये एक मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और इसके दौरान हम मार्वल नेटफ्लिक्स पर भी फोकस करेंगे। ये पहला वीडियो होगा पूरी सीरीज का और हम बात करने वाले हैं नॉर्थ के बारे में जो सबका फेवरेट है। तो चलिए जानते हैं द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के बारे में और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Where is this girl? Where is she? एसोस के ईस्ट में पड़ता है वेस्टरोस। यहाँ टोटल 7 किंगडम्स थे लेकिन एगोन ने यहाँ 9 प्रोविनेंस बना दिए, यानी कि सभी किंग्स बन गए लॉर्ड्स। नॉर्थ इन्हीं में से एक किंगडम है जो ऑफ कोर्स वेस्टरोस के नॉर्थ में पड़ता है। ये सबसे बड़ा किंगडम है क्योंकि ये बाकी के पूरे वेस्टरोस को अपने अंदर समा सकता है। यहाँ की बॉर्डर्स में दो साइड पर सी पड़ता है जबकि दो साइड पर लैंड। नॉर्थ के नॉर्थ में है वॉल जहाँ से नॉर्थ खत्म होता है और नॉर्थ के साउथ में है नेक जो इस रीजन को कहा जाता है। इसके बाद सीधा रिवरन शुरू हो जाता है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। नॉर्थ के ईस्ट साइड पर है शिवरिंग शी जबकि वेस्ट साइड पर है सनसेट सी। यहाँ की रूलिंग सीट है विंटरफेल और लॉन्ग नाइट के बाद ब्रैंड द बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाया था। सेम वही बंदा जिसने खड़ी की थी वॉल। नॉर्थ ज्यादातर पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है और मोस्टली यहाँ सिर्फ बर्फ ही जमी रहती है इवन समर के टाइम भी। इन हालातों का सामना करते हुए ये लोग काफी मजबूत हो चुके हैं और ज्यादातर ये लोग फियरसम वॉरियर्स ही हैं कंपेयर टू द अदर किंगडम्स। 16 साल की उम्र में ये लोग हंटिंग पर चले जाते हैं और बेयर का शिकार करते हैं जो काफी पावरफुल था। नॉर्थ का कंपैरिजन आप वाइकिंग्स के साथ कर सकते हैं जो काफी थिक बियर्ड वाले लोग थे लेकिन शो में ऐसा नहीं दिखाया गया। नेड स्टार्क को अगर आप बुक में देखेंगे तो वो शो में काफी अलग है और ये जरूर आपको विलन साइड पर थ्रो कर देगा लेकिन फिर भी काफी डिफरेंट था। नॉर्थ के लोग वर्शिप करते हैं द ओल्ड गॉड्स को और इनका रिलीजन लंबे टाइम से ऐसा ही रहा है। ये ओनली ऐसा किंगडम है जहां ओल्ड गॉड को वर्शिप किया जाता और वेयरवुड ट्रीज आपको काफी मिल जाएंगे। ये लोग मैरिज भी उसी के सामने करते हैं और ज्यादातर ओथ भी इसी के सामने ली जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्थ की रूलिंग सीट विंटरफेल है जिस पर रूल करते हैं स्टार्क्स। शो के दौरान ये सीट हाउस बोल्टन के पास चली गई थी लेकिन लंबे टाइम तक नहीं क्योंकि बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के बाद स्टार्क का सिजिल वापस यहाँ पर लहराने लगा। स्टार्क्स के पहले यहाँ पर काफी विंटर किंग्स मौजूद थे। पूरा किंगडम पेटी किंग्स के अंडर डिवाइडेड था लेकिन स्टार्क्स ने सबको रियूनाइटेड किया। बाद में खुद स्टार्क्स ने नी बैंड की एगोन के सामने, मतलब वो भी बन गए लॉर्ड्स। हाउस स्टार्क के फाउंडर माने जाते हैं ब्रान द बिल्डर, सेम गाय जिसने वॉल बनाई और बनाया विंटरफेल का कासल। इसके अलावा स्ट्रोंग जैंड की सीट भी इसी ने बनाई थी जिस कारण से बराथियंस और स्टार्क्स का रिलेशनशिप पहले से अच्छा है। किंग्स ऑफ विंटर ने सभी पैटी किंग्स को हरा दिया और उन्हें लॉर्ड बनाकर अपने अंडर रखा जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले आता है हाउस बोल्टन। रियली नॉर्थ के सबसे वर्स्ट हाउसेस में से एक बोल्टन्स को सबसे पहले रेड किंग माना जाता था। उनकी रूलिंग सीट थी ड्रेडफोर्ट और विंटरफेल का ईस्टर्न फ्रंट वो लोग संभालते थे। वो लोग अपने दुश्मनों की चमड़ियां उधेड़ते थे और कई बार उनकी स्किन को एज अ क्लोक भी पहनकर घूमते थे। कई स्टार्क प्रिंस का भी उन्होंने यही हाल किया लेकिन बाद में स्टार्क्स ने उन्हें हरा दिया और अपने अंडर रखा। वो लोग लंबे टाइम तक लॉयल रहे हाउस स्टार्क के लेकिन बाद में रूस बोल्टन ने उन्हें बिट्रे किया। नेक्स्ट है हाउस डस्टिन और उसके फाउंडर हैं डस्टिन फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स। मजा था भाई मजा। हाउस डस्टिन की रूलिंग सीट है बोरो टाउन और यही है वो फेमस बोरो हॉल जहां कई टारगेरियंस आ चुके हैं इंक्लूडिंग किंग जहेविस। हाउस डस्टिन को आप भूलना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हाउस होगा हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज में। इन्होंने साइड ली थी रोयनेरा की और ड्रैगन स्टार्क की लीडरशिप के अंडर इन्होंने काफी विक्ट्री हासिल की और एंड में किंग्स लैंडिंग को भी जीत लिया। नेक्स्ट है हाउस ग्लोवर। हम इन्हें जानते हैं सीजन 1 से ही, इज लाइक अ क्रीपी गाइस जिसका पीछा नहीं छुड़ा सकते। सीजन 1 में इन्होंने बैनर्स के साथ स्ट्राइक की थी लैनिस्टर्स पर और सीजन 6 में हाउस ग्लोवर ने ही सेकंड सपोर्ट दिया था किंग इन द नॉर्थ जॉन स्नो को।
हाउस ग्लोवर रूल करते हैं डीपवुड मॉर्ट से, और इनकी डॉटर की शादी जोरा मॉर्मन से हुई थी, लेकिन बाद में जोरा भाग गए खलीसी के साथ। नेक्स्ट आता है हाउस हॉर्नवुड, जो अभी एक माइनर हाउस है, लेकिन किंग जहेविस टू एगॉन द फिफ्थ के टाइम ये लोग काफी पावरफुल थे। सीजन 5 के एंड तक उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनकी रूलिंग सीट हॉर्नवुड्स को फ्लिंट्स और कास्ट आर्क्स को सौंप दिया गया, क्योंकि तब नॉर्थ पर रूल था रैमसी बोल्टन का। आई होप जॉर्ज आर आर मार्टिन की नेक्स्ट बुक में हमें इनके बारे में कुछ ज्यादा बताया जाए, क्योंकि ये लोग पहले से ही स्टार्क्स के लॉयल हैं। नेक्स्ट आता है हाउस कार्स्टार्क, इनकी रूलिंग सीट है कार होल्ड और ये नॉर्थ के स्टार्क प्रिंस कार्लॉन का ही हाउस है, जो विंटर किंग्स के अंडर आता था। उसने एक रिबेलियन को डाउन किया और बाद में वही का रूलर बन गया अंडर द लीडरशिप ऑफ हाउस स्टार्क। प्रिंस कार्लॉन के पेरेंट्स स्टार्क थे, इसलिए उसने अपने हाउस का नाम रखा कार्स्टार्क। ये हाउस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउसेस में से एक है और वो काफी लॉयल है हाउस स्टार्क के। अब जब भी इनको देखेंगे ये लोग क्लियरली वाइकिंग्स जैसे ही लगेंगे, विद बिग बियर्ड्स एंड हाई मस्कुलर बॉडीज। नेक्स्ट आता है हाउस मैंडलिन, जो सबसे रिचेस्ट हाउस है पूरे नॉर्थ का। इनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टॉक पाइल्स हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में फूड की काफी दिक्कत रहती है और सारा फूड यहीं से आता है। इस पूरे हाउस का इन्वेस्टमेंट ज्यादातर सी के अंदर ही होता है और फिश स्टॉक्स की इनके पास कोई कमी नहीं थी। रियली में देखा जाए तो हाउस मैंडलिन नॉर्थ का हाउस नहीं है, वो लोग रीच के अंडर आते थे। एगॉन के कॉन्क्वेस्ट के पहले हाउस पाइक और उनके बीच में एक सक्सेशन का वॉर हुआ, जिसमें मैंडलीज को एक्साइल कर दिया गया। हाउस स्टार्क के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते थे, जिस कारण से किंग थियोन स्टार्क ने उन्हें जमीन दी और वो लोग वहीं पर लॉर्ड बन गए। उनकी रूलिंग सीट है व्हाइट हार्बर और अगर किसी को भी नॉर्थ जल्दी आना हो और शिप से अगर वो लोग आए तो उन्हें यहीं से जाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हाउस मॉर्मंट, जो वन ऑफ द मोस्ट प्राउड हाउसेस है नॉर्थ का। उनकी रूलिंग सीट है बे आइलैंड, जो पड़ता है नॉर्थ के वेस्ट में। वेस्टरोस के कुछ ही नोबल हाउसेस ऐसे हैं जिनके पास वैलेरियन स्टील की स्वॉर्ड हो। हाउस मॉर्मंट की भी फैमिली स्वॉर्ड वैलेरियन स्टील की थी, जो बाद में लॉर्ड मॉर्मंट ने दी जॉन स्नो को। हम जानते हैं लॉर्ड मॉर्मंट से लेकर लेडी लियाना तक सभी लोग हाउस स्टार्क के काफी लॉयल हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया जॉन स्नो को। The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. Next आता है House Reed. उनके important members को हमने देखा Bran के साथ, जो थे Meera और Jojen. House Reed ने Robert के rebellion में भी fight की थी और उन्हें one of the last houses कहा जाता है जो end तक Starks के साथ रहे। Ned Stark की जान actually Arthur Dwent से इन्हीं लोगों ने बचाई थी। उनकी रूलिंग सीट है ग्रे वाटर वॉच और यहाँ एक्चुअली कोई जा नहीं सकता। ये पूरा कासल सराउंडेड है बाय मार्शेस और यहाँ के दलदल इतने खतरनाक है कि कोई आर्मी यहाँ पर नहीं आ सकती। इन्हें एक्चुअली मार्श किंग्स भी कहा जाता था, लेकिन बाद में विंटर किंग्स ने इन्हें हरा दिया और तब से ये लोग एकदम लॉयल हैं। इनका हाउस अराउंड द नेक पूरा रीजन संभालता और ये लोग काफी पुअर थे। नेक्स्ट आता है हाउस अंबर। लॉर्ड अंबर की रूलिंग सीट है लास्ट हर्थ एंड यस ये लास्ट है नॉर्दर्न रीजन, उसके बाद से सीधा वॉल की टेरिटरी शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि नाइट किंग भी हाउस अंबर से बिलोंग करता था, उसे चिल्ड्रंस ऑफ द फॉरेस्ट वाले किडनैप करके ले गए और बाद में ऐसा बना डाला। इसका कोई परफेक्ट सोर्स नहीं है, मतलब इस पर बिलीव नहीं कर सकते। लॉर्ड अंबर अपनी आर्मी के साथ रॉब स्टार्क के सपोर्ट में आए थे ड्यूरिंग द वॉर ऑफ फाइव किंग्स। उनकी मौत हुई रेड वेडिंग के दौरान और बुक्स में वो जिंदा है। उनके अंकल ने सीट कैप्चर कर ली, जो अभी बोल्टन्स के अंडर काम कर रहे थे। हाउस टालाहाथ की रूलिंग सीट है टॉरन स्क्वायर। ये लोग बुक्स में भी ज्यादा अपीयर नहीं हुए, लेकिन इतना मालूम है कि ये लोग काफी लॉयल हाउस हैं। इन्होंने रेड वेडिंग को अवेंज करने के लिए सपोर्ट किया स्टैनिस बराथियंस का, ताकि लैनिस्टर्स से बदला लिया जा सके। इनके रूल में बहुत बड़े फॉरेस्ट आते हैं, जिस कारण से ये लोग पूरे वेस्टरोस में सबसे बड़े टिम्बर एक्सपोर्टर्स हैं। हालांकि शो में इस तरीके का कुछ डाला नहीं गया। सबसे लास्ट में है हाउस राइसवेल। इनकी रूलिंग सीट है वेल्स, जो टॉरेंस वैक के वेस्ट में पड़ती है और ये पूरा रीजन माउंटेन रेंज है, यानी कि यहाँ ज्यादा कोई लोग जाना नहीं चाहते। ये लोग भी एक टाइम पर किंग्स हुआ करते थे, लेकिन किंग थियोन स्टार्क ने उन्हें डाउन करके लॉर्ड बना दिया। एक फेमस स्टोरी मानी जाती है कि लॉर्ड राइसवेल का यंग सन नाइट्स वॉच में था और उन्होंने कुछ ब्रदर्स के साथ म्यूटिनी की और बाद में अपने फादर की रूलिंग सीट पर आ गया बचने के लिए।
उसके फादर उसे अलास्का के नाइट फोर्ट ले गए और वहीं जिंदा दफन कर दिया। उन्होंने भी बाद में सीट ले ली एज अ ब्रदर्स ऑफ नाइट्स वॉच और वो वहीं रहे अपनी मौत तक। तो यही थे नोबल हाउसेस नॉर्थ के। ऐसा नहीं है कि इतने ही हाउस है, एक्चुअली हाउस थेन और हाउस लेक जैसे कई नोबल हाउसेज हैं, लेकिन उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैंने वीडियो में उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। अगर ये वीडियो सक्सेस रहा तो हम सभी रीजन के हाउसेस के बारे में बात करेंगे। मैं उतावला हूँ दोन के हाउसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि ये पूरा मंथ हम गेम ऑफ थ्रोन्स और नेटफ्लिक्स मार्वल के पीछे ही बिताने वाले हैं और उसके बाद आएगा हम प्रिज़न ब्रेक जैसी सीरीज कवर करेंगे, तो उसके लिए रेडी रहना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।